तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो गाइस, हमारा यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो चुका है एंड यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिए। हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है एंड वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट कोर्स है किसमें AECC का सब्जेक्ट में कोर्स है, और जो आपकी बुक का नाम है वो है पर्यावरण अध्ययन सहायक सामग्री, आपकी बुक का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस की। तो इसमें जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 है आपका नाप के खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम, आज के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाप के प्रदूषण नाप के प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है, जिससे हवा, पानी या भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव जंतु प्रभावित हो सकते हैं। रेडियोधर्मी कचरा आमतौर पर नाप के परिक्रिया जैसे नाप के विखंडन से पैदा होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहां अनायास या वांछनीय रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इसका प्रभाव पर्यावरण, जीव जंतु और मनुष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखते हैं हम रेडियोधर्मी का मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो रेडियोधर्मी का मानव जीवन पर प्रभाव जो पड़ता है वो इस तरह पड़ता है। देखिए, अधिक भेदन क्षमता वाली गामा विकिरण अन्य के मुकाबले बहुत नुकसानदेह होती है। बीटा विकिरण शरीर के अंदरूनी अंगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जबकि अल्फा विकिरण त्वचा द्वारा रोक लिए जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण पृथ्वी की सतह तथा उसके समस्त परिवेश को प्रभावित करता है। जो पृथ्वी की सतह होती है उसको बहुत प्रभावित करता है। अब आते हैं रेडियोधर्मिता का जल पर प्रभाव कैसे पड़ता है। परमाणु हथियारे, एक्सरे, MRI और अन्य चिकित्सा उपकरणों में रेडियोधर्मी त्वचा के प्रयोग में मनुष्य के संपर्क में आने का कारण बनता है। इन रेडियोधर्मी कचरे की सतह को जल निकायों में डालने से जल प्रदूषण हो जाता है। ट्रोटरियम 90, सीज़ियम-137 आदि कई अनावश्यक रेडियो आइसोटोपिक भी कचरे के साथ साथ परमाणु रिएक्टरों से बनते हैं। अब आता है आपका रेडियोधर्मियों का वायुमंडल पर प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण अन्य प्रदूषणों की तुलना में अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि इसका प्रभाव वायुमंडल में लंबे समय तक रहता है। वैज्ञानिक भाषा में रेडियोधर्मी प्रदूषण को नाप के प्रदूषण भी कहा जाता है। इसमें मौजूद पदार्थ के कण बेहद सूक्ष्म रूप से होते हैं, जो सैकड़ों वर्षों तक वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। मतलब सैकड़ों वर्षों तक, यानी कई सालों तक क्या होता है, वो प्रदूषण वातावरण को प्रदूषित करता ही रहता है रेडियोधर्मियों का। इसमें कैसे कैसे प्रदूषण हुआ है, देखिए इसमें प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 है आपका 3 माइल आइलैंड, 3 माइल द्वीप दुर्घटना, हैसिंग्टन के पेंसिल्वेनिया राजधानी के पास लंदरडेरी टाउनशिप पेनिसिल्वेनिया में सुखसेना नदी पर 3 माइल द्वीप यूनिट 2 TMI-2 रिएक्टर का आंशिक मेल्टडाउन था। यह 28 मार्च 1979 को सुबह 4 बजे शुरू हुआ था। यह अमेरिका वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना है। 7 बिंदु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने पर इसे स्तर 5 व्यापक परिणामों के साथ दुर्घटना का दर्जा दिया गया। मतलब जो दुर्घटना हुई थी 3 माइल आइलैंड पे वो बताया गया है। फिर आता है सेकंड आपका चेर्नोबिल इन यूक्रेन। चेर्नोबिल परमाणु घटना एक परमाणु दुर्घटना थी जो सोवियत संघ के यूक्रेनी सोवियत समाजवादी संघ के उत्तरी नगर रियाप्त के साथ 22 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 4th रिएक्टर में हुई थी। ये लागत और हताहत दोनों के मामले में आज तक सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा है। ये उन्माद 2 दुर्घटनाओं में से एक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल के 7वें स्थान पर पद दिया गया था, जो सबसे ज़्यादा है। और दूसरा है जापान का फुकुशिमा डाइजेंस परमाणु दुर्घटना। पहला कौन सा था, ये चेर्नोबिल का, और दूसरा था आपका जापान का। हादसे के बाद पर्यावरण को विकृत के मुक्त करने और हादसे को बिगड़ के रोकने के लिए कुल 1.8 करोड़ सोवियत रूट वर्तमान पर 5 अरब भारतीय रुपये दिए गए थे। फिर आपका आता है रेडियोधर्मा नियंत्रण व बचाव हम कैसे कर सकते हैं रेडियोधर्मा से। रेडियोधर्मी कचरे का निपटान की उचित विधि अच्छी सी हो, उचित लेबलिंग हो, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगे, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हो, उचित भंडार हो, पूर्ण उपयोग हो जाए सामानों का, व्यक्तिगत स्तर पर सावधानियाँ बरती जाएँ। अब आपका आता है नाभिकीय अपशिष्टों का सुरक्षित निपटारा।
लैंडफिल में अवशेष का निपटारा शामिल करता है। माल को दफनाना और अधिकतर देशों में ये आम चलन है। लैंडफिल्स अक्सर गैर उपयोगों की खानों, खनन रिक्तियों या बोरोपिट से इत्यादि में बनाए जाते थे, तरीके से बनाए गए थे। और अच्छी या नियंत्रण लैंडफिल अवशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अवशिष्ट कम खर्चे वाला तरीका हो सकता है। पुराने और गलत तरीके से नियंत्रित लैंडफिल पर्यावरण पर उल्टा प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब अगर हम गलत तरीके से दबाएंगे कुछ चीज़, वो भी क्या करती है, हमें गलत प्रभाव डाल सकती है। जैसे हवा को कचरे से, कचरे का उड़ना, हवा में कचरे उड़ते रहते हैं, कीड़ों को आकर्षित करना और तरल उसका उत्पाद। लैंडफिल की एक और सामान्य गुण उत्पादन है, जैसे जो तरीके से कार्बनिक अवशिष्टों को टूटने से बनता है, ये गैस बदबू पैदा कर सकती है, सतह वनस्पति नष्ट कर सकती है और ये ग्रीन हाउस गैस है। तो गाइस देखिए, आपका जो यूनिट फाइव का चैप्टर नंबर 2 था कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ समझ आया हो, हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की थी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।